सकती बड़ी खबर बता दूं, नगर निगम चुनाव के तहत भाजपा ने शुरू की है हेरिटेज उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी। 100 उम्मीदवारों की प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बाड़ेबंदी की जा रही है। 3 बसों से भाजपा मुख्यालय से ये भाजपा के उम्मीदवारों को रवाना किया गया। जितेंद्र गोठवाल का दावा है कि जनता की सेवा के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि प्रशिक्षण के नाम पर भाजपा के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की जा रही है। नगर निगम चुनाव के तहत इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर रही है। बता दें कि लोगों की सेवा के नाम पर, उनके प्रशिक्षण देने के नाम पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान फोनलाइन पर मौजूद है। ऐश्वर्य, चूंकि अब चुनाव हो रहे हैं और नगर निगम हेरिटेज के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी करना ऐसे में कितना लाजमी लग रहा है, चूंकि प्रशिक्षण के नाम पर इनकी बाड़ेबंदी की जा रही है? देखिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनको प्रशिक्षण के नाम पे पहले से ही इस तरीके की बाड़ेबंदी होती रही है। अब चूंकि हेरिटेज में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खतरा है, ऐसे में आज का दिन मुकर्रर किया कि बाड़ेबंदी के लिए ठीक एक दिन पहले। हालांकि कल सुबह 11 बजे बुलाया गया था भाजपा कार्यालय, लेकिन भाजपा को लगा कि जब हेरिटेज का चुनाव संपन्न हो चुका है तो ऐसे में उन प्रत्याशियों को तुरंत प्रभाव से अपने साथ ले लिया जाए और सब एकजुटता के साथ रहें, क्योंकि ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी मात खा चुकी है। जब विष्णु लाटा मेयर बने थे और भारतीय जनता पार्टी में बगावत का दौर शुरू हुआ था, तो भाजपा को भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कई बार जीती बाजी भी हार ली जाती है, तो कहीं जीती बाजी ना हार जाए, यही सोच के बाड़ेबंदी की जा रही है। कल जो है बाड़ेबंदी जो होगी वो जयपुर ग्रेटर को लेकर होगी। अभी जयपुर ग्रेटर का चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद जयपुर ग्रेटर की बाड़ेबंदी होगी। और चूंकि जयपुर ग्रेटर की बाड़ेबंदी भी महत्वपूर्ण है, सियासी तौर पर देखें तो हेरिटेज और ग्रेटर दोनों को लेकर अलग अलग तरीके के रुझान है, बखूबी लोग जानते हैं। चूंकि अभी मतदान चल रहा है तो हम साफ तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन बखूबी जानते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट आ सकता है या जिस रिजल्ट की उम्मीद है। तो अब यहाँ से भाजपा कार्यालय से जितेंद्र गोठवाल ने पूरी रणनीति बनाई है, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से बातचीत की है और सतीश पूनिया से बातचीत की है। दोनों से बातचीत के बाद रणनीति बनाकर बसें अभी रवाना कर दी है। तो उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अन्य जो शहर है, कोटा हो चाहे जोधपुर हो, तो वहां भी ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर चलेंगे। तो प्रशिक्षण शिविर के जरिए एकजुटता बनी रहे, कहीं भी कोई ऐसी चूक ना हो जाए, इस चीजों को या ऐसी चीजों को फोकस करते हुए अपना मेयर बनवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। जी ऐश्वर्य, सारे मामले से एक चीज तो साफ हो जाती है कि भाजपा को अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है, तभी प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी की जा रही है। दूसरी बात, क्या कुछ ये सामने आ चुका है कि ये बाड़ेबंदी जयपुर में कहाँ होगी, किस होटल में होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो, उसकी बात हो या कांग्रेस की हो या कोई दूसरी तीसरी कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी, क्योंकि सियासत में पिछले कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि रातों रात लोग पार्टियां बदल देते हैं, पार्टियों से बगावत कर देते हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलती है अगर कंपैरिजन में अनुपातिक तौर पर देखा जाए तो। तो ऐसे में हर पार्टी को डर होता है कि उन्हें अपनी पार्टी का सम्मान बरकरार रखना है और पार्टी को विजय दिलानी है, तो उसी रणनीति के तहत होता है। और भाजपा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती रही है कि सत्ता पक्ष दुरुपयोग कर रहा है, यानी कांग्रेस जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है चूंकि सत्ता में है इसलिए। तो और स्वाभाविक तौर पर जब भाजपा के नेताओं से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि दुरुपयोग कर सकते हैं सत्ता का, तो ऐसे में हम पहले से ही प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। अब प्रशिक्षण शिविर अच्छी तरीके से जाना जा सकता है, प्रशिक्षण शिविर और बाड़ेबंदी क्या है, फिलहाल अभी ये बसें रवाना हुई है, थोड़ी देर बाद इनके लिए कई स्थान जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। हालांकि सवाई माधोपुर तक में होटल जो है उसकी व्यवस्था की गई है, जयपुर के पास में भी 2 रिसोर्ट्स में व्यवस्था की गई है। अब जैसे ही बसें जो है नियत स्थान पर पहुंचेंगी तो सीधे तौर पर पता चल सकेगा कहां की बाड़ेबंदी है। जी ऐश्वर्य, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। था एक बार फिर से आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव के तहत भाजपा अपने उम्मीदवारों की प्रशिक्षण के नाम पर प्रशिक्षण के जरिए उनकी बाड़ेबंदी कर रही है।